नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए द लोटस पोएम से संबंधित फिर से क्लास लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पिछली क्लासों में हमने जो द लोटस पोएम है उसके जो स्टांजा होती है उसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाना सीख लिया था। तो स्टेप बाय स्टेप आज जो भी आपकी स्टांजा बची हुई है उसकी जो भी क्लास है वो आज हो जाएगी आपके। तो ध्यान से इसको देखना है और किस प्रकार से आपने उसमें समझा है तो इसी प्रकार से इसमें आपको देखना है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो ध्यान से देखना इसको। तो आपके स्टांजा नंबर 3, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्ट्रेटली एज द लिली इन हर प्राइड, बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, लव फर्स्ट चूज देन प्रेड, नो लिली, वाइट और बोथ प्रोवाइड। अब इसमें ध्यान देना, आपने अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट समझा है तो आप इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से बना सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो जो आपकी स्टांजा दी हुई है तो इसका ये निकलता है हिंदी ट्रांसलेट कि गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस। तो लव के देवता है, प्रेम के देवता है क्यूपिड है, उन्होंने फूलों की देवी फ्लोरा से कहा कि मुझे एक फूल दीजिए जो क्या हो, डिलीशियस, आकर्षक हो। भाई क्या हो भाई, डिलीशियस हो, आकर्षक हो, किसके समान, रोज के समान आकर्षक हो। लव के देवता ने फ्लोरा से कहा कि मुझे एक फूल दीजिए जो रोज के समान आकर्षक हो, सुंदर हो, एंड स्ट्रेटली और शानदार हो, और शानदार दिखाई दे, एज द लिली, लिली के समान, इन हर प्राइड, जिस प्रकार से लिली अपने श्रेष्ठता में हो, अपने सम्मान में हो, जिस प्रकार से वो शानदार दिखती हो उसी प्रकार से वो फूल शानदार दिखना चाहिए, वो शानदार फूल मुझे चाहिए, वो शानदार फूल मुझे दो। बट ऑफ व्हाट कलर, फिर आपकी जो फ्लोरा है, फूलों की देवी है, वो प्रेम के देवता क्यूपिड से कहती है कि कौन से कलर का फूल आपको चाहिए जो मैं आपको दूँ। तो रोज रेड, लव फर्स्ट चूज, देखो प्रेम के देवता ने सबसे पहले किस फूल का चुनाव करता है, किस फूल को चुनता है, चूज करता है, गुलाब का फूल का, गुलाब के फूल का चुनाव करता है। देन प्रेड, तब प्रार्थना करता है, वापस बोलता है उनसे, नो, नहीं नहीं भाई, लिली वाइट, लिली वाइट भी चाहिए, और बहुत प्रोवाइड, दोनों ही उपलब्ध करवा दे भाई, लिली भी चाहिए और रोज भी चाहिए। तो सफ़ेद वाला और लाल वाला दोनों, दोनों कलर का कलर है, दोनों ही फूल मुझे चाहिए। तो ये की बात उसने, लव ने, किसे, फ्लोरा की देवी से, फूलों की देवी फ्लोरा से। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसका आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस आप किस प्रकार से बनाते हो। रेफरेंस में आपको कुछ भी याद नहीं लिखना है, केवल कविता का नाम याद करना है और लेखक कवि का नाम या आपको याद करना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दो, रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम द लोटस रिटन बाय तोरुदत्त। आपको देखो ये कविता है, ये लाइन है द लोटस कविता से ली गई है और किसके द्वारा लिखा गया है, तोरुदत्त के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी ट्रांसलेट और रेफरेंस बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। अब इसके बाद में चलते हैं, ये हुआ आपका संदर्भ, क्या हुआ भाई, संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखते हैं, कविता का नाम और कवि का नाम। तो आगे चलते हैं, अब देखिएगा कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखते हो आप, क्या बताया गया इन लाइनों के माध्यम से, कवि किसका वर्णन कर रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। दीज लाइन्स आर अबाउट द डिज़ायर ऑफ लव टू गेट सच ए लवली एंड स्पेशल फ्लावर पोसेसेज द ब्यूटी ऑफ बोथ द फ्लावर, द फ्लावर, द रोज एंड द लिली। तो ध्यान से समझना बेटा इसको, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो जो आपकी कॉन्टेक्स्ट है कि इन लाइनों के बारे में कि जो लव है आपकी, लव की जो इच्छा है एक ऐसे प्यारे और स्पेशल फूल, इस विशेष फूल को प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा है, और द ब्यूटी ऑफ बोथ, दोनों ही, दोनों की सुंदरता हो उसमें, दोनों की सुंदरता से संबंधित हो फूल, वो कौन सा होना चाहिए, रोज एंड द लिली, लिली के समान और रोज के समान, मतलब उन दोनों में ही, मतलब वो ऐसा फूल चाहिए जिसमें रोज और लिली का क्या हो, सम्मिश्रण हो,
और दोनों का ही उससे क्या हो भाई, संबंध हो सौंदर्य का। अब यहाँ पे चलो एक्सप्लेनेशन में आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसका हिंदी अनुवाद सही से समझा है तो उसको तोड़ मरोड़ के आप उसका इंग्लिश में बना सकते हो और आपकी व्याख्या बन जाएगी। ध्यान देना, आप ये है व्याख्या। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, अब कवि कहता है, कवि कवि की इन लाइनों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। कवि ने तो लिख दिया ये वाला, अब अपने शब्दों में करेंगे जो होगी व्याख्या। क्या होगी भाई, व्याख्या होगी। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब, इन लाइनों में, कौन सी लाइनों में, इन लाइनों में कवि वर्णन करता है द कन्वर्सेशन बिटवीन लव एंड फ्लोरा। जो आपकी जो स्टांजा दी गई है, लाइन दी गई है, इन लाइनों में कवि कहता है, कवि वर्णन करता है किसके बातचीत का, कन्वर्सेशन बातचीत का, किसके मध्य बातचीत हो रही है भाई, बिटवीन बीच में लव एंड फ्लोरा के मध्य बातचीत हो रही है। लव कौन हो जाएगा भाई, प्रेम के देवता, और फ्लोरा कौन हो जाएगी, फूलों की देवी। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भाई, बातचीत हो रही है और इन्हीं बात का वर्णन कवि इन लाइनों में करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लव आस्क फ्लोरा टू गिव हिम, लव ने पूछा, किससे पूछा भाई, फ्लोरा से पूछा, किससे पूछा, फ्लोरा से पूछा, गिव हिम कि मुझे दीजिए, सच ए ब्यूटीफुल एक ऐसा सुंदर एंड स्पेशल विशेष फ्लावर, मुझे एक सुंदर और विशेष ऐसा फूल दीजिए जो क्या हो, दैट शुड हैव चार्म, जो आकर्षक होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, आकर्षक होना चाहिए, एंड स्वीटनेस और उसमें मधुरता हो, द रोज रोज के समान, एंड स्टेटलीनेस और शानदार हो, एंड प्राउड अपीयरेंस ऑफ द लिली और लिली के समान, क्या दिखाई दे भाई, क्या दिखाई दे, गर्व में हो, क्या हो भाई, गर्व में हो। फ्लोरा देन, फ्लोरा ने तब आस्क्ड हिम उससे पूछा, फ्लोरा ने प्रेम के देवता क्यूपिड से पूछा भाई, क्या पूछा, विच कलर ऑफ द फ्लावर कि आपको कौन से कलर का फूल चाहिए भाई, कौन से कलर का फूल चाहिए, ही वुड लाइक जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप पसंद करते हो, आपको कौन सा फूल चाहिए, कौन से कलर का फूल चाहिए जो आप मुझसे मांग रहे हो। दिस क्वेश्चन जो आपका वो प्रश्न था, स्लाइटली थोड़ा कन्फ्यूज्ड संबंध जिसमें वो मुझे भ्रमित कर रहा है, जो आपने क्वेश्चन किया है थोड़ा वो मुझे भ्रमित कर रहा है कि लव के देवता, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, सवाल किया है फूल के लिए, वो मुझे थोड़ा क्या कर रहा है भाई, स्लाइटली थोड़ा कन्फ्यूज भ्रमित कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है। ही फर्स्ट चूज रोज रेड, उसने सबसे फर्स्ट में किसको चुना, रोज रेड को, गुलाब के फूल को चुनता है। एंड देन लिली, और तब क्या चुनता है भाई, बाद में लिली का फूल चुनता है, लिली के समान वाइट भी हो। एंड फाइनली, और अंत में कहता है, प्रार्थना करता है कि मुझे दोनों का ही कॉम्बिनेशन, दोनों ही का कॉम्बिनेशन वाला फूल चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये थी आपकी स्टांजा नंबर 3 की, जो आपने रेफरेंस समझा है, कॉन्टेक्स्ट समझा है और एक्सप्लेनेशन समझा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं इसके बाद वाली स्टांजा पर। तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो देखिएगा यहाँ पे आगे, चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने स्टांजा नंबर 4 है। तो इसका सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसकी व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट अवश्य आना चाहिए। और आपकी जो स्टांजा दी हुई है उसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि लाइनें किस पोएम से ली गई है, और ये लाइनें जो पोएम है वो कौन सी, किसके द्वारा लिखा गया है,
पोइट के द्वारा, पोइटिस के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने है दो लाइनें बिल्कुल छोटी सी, और आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल निम्न आपका बिल्कुल शानदार तरीके से होगा। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, एंड फ्लोरा गेव द लोटस। तो देखिए, जो आपका गॉडेस, जो आपका लव है, किसका? प्रेम के देवता क्यूपिड है, प्रेम के देवता क्यूपिड। एंड जो आपकी फूलों की देवी फ्लोरा है, उनके बीच में, उनके बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वही बातें उनके बीच में चल रही है। और अंत में जो भी लाइनें कवि के द्वारा बताई गई है, तो उसमें देखिए क्या हो रहा है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और अंत में, और अंत में फ्लोरा ने जो आपका लव है उसको लोटस दे दिया। क्या दिया? दिया भाई कमल का फूल दे दिया। क्या दिया? कमल दे दिया। अंत में जो बात हो रही है कि भाई मुझे लिली के समान लाल, लिली के समान वाइट चाहिए, और रोज के समान रेड चाहिए, तो उसने क्या दे दिया भाई? लोटस दे दिया। किसने दे दिया? लोटस दे दिया। आपकी जो फूलों की देवी है फ्लोरा, उसने प्रेम के देवता क्यूपिड को एक लोटस दे दिया, लोटस फ्लावर दे दिया, मतलब कमल का फूल दे दिया, जो रोज रेड लाल रंग से डाइड रंगा हुआ है भाई, लाल रंग से रंगा हुआ है, डाइड रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। एंड लिली वाइट, और उसमें किसकी दवलता है? लिली के समान सफेद है भाई, लिली के समान सफेद है। द क्विनलिस्ट फ्लावर, जो क्या है भाई? सबसे ज्यादा सुंदर फूल, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर का मतलब वो फूलों में सर्वश्रेष्ठ फूल है, अच्छा दिखता है, ब्यूटीफुल है। दैट ब्लो, जो हमेशा खिलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका, आपको जो हिंदी ट्रांसलेट था अच्छे से समझ में आया होगा। अब बनाते हैं हम इसका रेफरेंस, तो किस प्रकार से बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो पिछली क्लास में जो भी आप बनाते आ रहे हो रेफरेंस, तो उसी प्रकार से बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ, क्या हो जाएगा भाई? संदर्भ हो जाएगा। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस रिटन बाय तोरुदत्त। आपको रेफरेंस में क्या लिखना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम क्या है भाई? द लोटस रिटन बाय तोरुदत्त। तो ध्यान दीजिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस रिटन बाय तोरुदत्त। देखिए जो ये लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें कौन सी कविता से ली गई है? द लोटस से लिखी गई है, द लोटस से ली गई है। और द लोटस किसके द्वारा लिखी गई है? द लोटस किसके द्वारा लिखी गई है? तोरुदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेक्स्ट, अब बनता है आपका कॉन्टेक्स्ट, तो क्या बनेगा भाई? प्रसंग, क्या बनेगा? ये प्रसंग हो जाएगा। अब प्रसंग में क्या लिखनी है? जिसके बारे में कवि हमें इन लाइनों में बता रहा है, इन लाइनों में बता रहा है। तो दीज लाइन्स आर अबाउट, ये लाइनें किसके बारे में भाई? ये लाइन है किसके बारे में? ध्यान दीजिएगा, द स्पेशल फ्लावर, एक विशेष फूल, एक विशेष फूल, फूल के बारे में है ये लाइन है। विच द फ्लोरा क्रिएटेड फॉर लव, जिसकी रचना फ्लोरा ने लव के देवता, मतलब प्रेम के देवता क्यूपिड के लिए की है। तो ये था आपका प्रसंग, जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या होगी भाई इसकी? व्याख्या, अब देखो व्याख्या, जिस प्रकार से आपने इसकी हिंदी अनुवाद किया है, हिंदी ट्रांसलेट किया है, तो बड़ा चढ़ा कर आप जो भी बातें इसमें कही गई है वही आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो उसको बनाना है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, इन लाइनों में कवि कहता है, इन लाइनों में कवि कहता है, अब क्या कहता है भाई? दैट की द गॉडेस फ्लोरा, फूलों की देवी है, फुलफिलेड भरी हुई है, किसे? द विस इच्छाओं से, ऑफ लव, प्रेम की इच्छाओं से भरी हुई है भाई, उसके पास इच्छा है, किसकी? प्रेम के देवता क्यूपिड की। सी गेव हिम, वह देती है उसे, द लोटस कमल का फूल देती है, किसको देती है भाई? लव को, फ्लोरा, यहाँ पे लिख सकते हो द गॉडेस ऑफ फ्लोरा गेव हिम द लोटस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि द गॉडेस ऑफ फ्लोरा गेव हिम द लोटस, उसने जो फ्लोरा की देवी, फूलों की देवी है, उसने प्रेम को क्या दे दिया? लव को क्या दे दिया? द लोटस दे दिया, मतलब कमल दे दिया। तो द लोटस विच, जो कमल है, विच इज द कॉम्बिनेशन, जो मिश्रण है, किसका मिश्रण है? कॉम्बिनेशन है रोज रेड, गुलाब के समान लाल, एंड लिली वाइट, लिली के समान सफेद, मतलब एक तो उसमें लालिमा है किसके समान? रोज के समान। एंड दवलता है किसके समान? लिली के समान। इन दिस वे, इस प्रकार से,
फ्लोरा द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द रोज एंड द लिली। तो इसी प्रकार से फ्लोरा कहती है कि जो आपका ये फूल है उसमें क्या है, रोज एंड लिली, जो आपका गुलाब है और लिली है उसके समान दोनों की ही गुण मौजूद है इसमें। तो ये दोनों ही फूल लोटस की बराबरी नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। डिलीशियस आकर्षक है भाई, आकर्षक है, डिलीशियस आकर्षक है, एज द रोज, रोज के समान, गुलाब के समान, एंड और स्टेटली शानदार है, शानदार है किसके समान भाई, लिली के समान शानदार है। तो ये दोनों लाइनों की आपके ये व्याख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। तो अब आपके सामने जितनी भी क्लासें बनी, आपका लास्ट क्लास था ये पोइम से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोइम वाली क्लासें अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सब में शेयर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लगी होगी, और फिर मिलते हैं आपके साथ में, आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।